हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। एंड आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, वो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम एलसीएम देखेंगे किस तरह के हो सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का एलसीएम आ रहा है, ठीक है। इस तरह का कोई भी सम है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नीचे वाले टर्म सेम है तो एलसीएम जो होगा इन नंबर दैट इज फाइन, एंड ऊपर वाले जिस तरह के हैं उसी तरह के रहेंगे, एंड बीच में जो साइन है वो एस के साथ। सो इट कम्स टू बी 2/5। ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो है इसके अलावा, दैट इज कि अगर हमारे पास इस तरह से हो 2/5 प्लस 3/ लेट्स सपोज इट इज 10। ओके, सो 3/10। सो नाउ इस तरह इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम लेने के लिए हम कुछ इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों की करनी है हमें। अगर हम 5 पे जाते हैं 10 का आता है 2, 5 का आता है 1, एंड देन 2 पे सारे चले जाएंगे दैट इज 1, ठीक है। सो यहाँ पे जब तक 1 नहीं बनता तब तक आपको फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा दैट इज 5 × 2, तो 5 × 2 कितना हो गया 10, एंड देन 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 हमारे पास, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 10 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, एंड 1 को 3 से मल्टीप्लाई, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 4 + 3/10 7/ ओके फ्रेंड्स, थर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड कैटेगरी कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास है 2/3 + 3/5, कुछ इस तरह से हमारे जब नीचे वाले नंबर्स ना ही एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं जैसे यहाँ पे आ रहे थे, और ना ही वो दोनों सेम हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 × 5। डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में जो साइन रहेगा वही सेम रहेगा। तो 5 × 2 दैट इज 10 प्लस 3 × 3 दैट इज 9, और बीच में प्लस था तो इसलिए हमने प्लस कर दिया, सो दैट कम्स टू बी 19/5। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एलसीएम के डाउट्स अब कभी नहीं रहेंगे। आगे भी मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दे के समझा देता हूँ, पहले इनको आप खुद एक बार करके देखिए।